यानी कि नाराज़ हैं कि मेरा और नंबर बढ़ सकता है। तो आपके लिए बिहार बोर्ड ने क्या कर दिया, फाइनली लिंक एक्टिवेट कर दिया है स्कूटनी फॉर्म भरने के लिए। तो आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करके कि आप लोग कैसे स्कूटनी फॉर्म भरेंगे और कितने सब्जेक्ट के लिए होगा और कितने रुपये लगेंगे, उसकी पूरी डिटेल्स इसमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करके बताने वाला है। तो आइए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले आप लोग बता दें कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बगल में होगा बेल आइकन उस कॉल पे प्रेस करें ताकि जब भी मैं आप लोग इस तरह के वीडियो अपडेट करें तो वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचे। तो जैसा कि मैंने बताया कि आप लोग का स्कूटनी फॉर्म भरने के लिए आप लोग यह जो लिंक है आप लोग को कहाँ पर मिल जाएगा, यह लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल का भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा। टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लेगा ताकि आप लोगों को सहूलियत रहेगा आप लोग इस वाले वेबसाइट पर आने के लिए। तो यहाँ पे आने के बाद आप लोग जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, आपको यहाँ पे लॉगिन वाला दिखेगा इंटरफेस। तो लॉगिन वाले पर क्लिक नहीं करके आपको किस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, तो रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो न्यू रजिस्ट्रेशन दिख रहा होगा तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। जैसे न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे वैसे स्क्रीन पर आप लोग को रोल कोड, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और पासवर्ड आप लोगों को बनाना केस सेंसिटिव में। केस सेंसिटिव करने के लिए जैसे कि आपका नाम होगा उसके बाद @123 इस प्रकार से आप लोग अपना पासवर्ड बनाएंगे। जैसे कि आप लोग का रोल नंबर हो गया, मान लें कि आप लोग को यहाँ पे 23 है, ठीक है 23010023, ठीक है। उसके बाद आप लोग का रोल कोड मान लें कि 71226 है, ठीक है, जो आप लोग का एडमिट कार्ड नंबर वही रहेगा यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद आप लोग अपना यहाँ पे पासवर्ड बनाएंगे, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जो भी आप लोग का डेट ऑफ बर्थ रहेगा यहाँ पे डाल लेंगे, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ आप लोग का मान लिया कि डेट ऑफ बर्थ रहा आप लोग का 2005 रहेगा। आप लोग इस प्रकार से सिलेक्ट करेंगे। मोबाइल है थोड़ा सा स्लो में आप लोग चल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद आप लोग को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद मंथ, इस प्रकार से आप लोग अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद पासवर्ड बनाने के लिए बताया है आप लोग का जो नाम रहेगा, नाम से उसके बाद @ करेंगे 123, फिर से सेम आप लोग कंफर्म करना होगा यहाँ पे यस @123 और अंत में आप लोग रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके मोबाइल पर मैसेज आएगा यूजर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली का, ठीक है। तो चलिए मैं आप लोग आगे का प्रोसेस करके फ़ी वगैरह सारा कुछ बताते हैं कैसे करना है। जैसे रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे वैसे आप लोग का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट का मैसेज आएगा। आप लोग सेम आप लोग एडमिट कार्ड से रोल कोड, रोल नंबर डालेंगे और अभी आप लोगों ने जो यहाँ पर बनाया है पासवर्ड उसको डालकर क्या करेंगे, हम लोग लॉगिन करेंगे। जैसे लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करेंगे वैसे स्क्रीन पर आप लोग को पूरा डिटेल्स आ जाएगा। यहाँ पे आप लोग जो भी सब्जेक्ट में आपको स्कूटनी करवाना है आप लोग करवा सकते हैं। और आप लोग को एक सब्जेक्ट के लिए कितने रुपए लगेंगे, एक सब्जेक्ट के लिए 120 रुपये लगेंगे। और टोटल का स्कूटनी कराना है तो टोटल स्कूटनी के लिए कितना लगेगा आप लोग गुना कर सकते हैं, 5 सब्जेक्ट गुने 120, यानी कि आप लोग का मेरे ख्याल से 600 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे इस प्रकार से ऐड कर लेंगे आप लोगों को कितने सब्जेक्ट में स्कूटनी करवाना है। सब सब्जेक्ट में कराएंगे तो आप लोग देख सकते हैं 600 रुपये के आसपास अराउंड लगेगा आप लोगों को। और सब आप लोगों को मान लेंगे दो सब्जेक्ट में कराना है तो 120 आप लोगों को 240 रुपये लगेंगे। इस प्रकार से ऐड करके आप लोग नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आप लोगों से पेमेंट मांगेगा। पेमेंट आप लोग यहाँ पर ऑनलाइन मोड में कर सकते हैं, गूगल पे, फ़ोनपे, क्रेडिट कार्ड से भी आप लोग कर सकते हैं पेमेंट।